हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी अपनी रनिंग थी, जिसके अंदर आपने मोनोहैलाइड और डाइहैलाइड के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था रेजोनेंस, उसके बारे में आपने बात कर ली। अब जो स्टूडेंट अपनी बात हो रही है वो हो रही है चैप्टर 10 के ट्राइहैलाइड में। चैप्टर 10 के ट्राइहैलाइड में स्टूडेंट बताना चाहूँ, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनके अंदर हेलोजन है वो तीन होते हैं, जिनमें हेलोजन कितने होते हैं, तीन होते हैं, ऐसे हैलाइड को हम क्या कहते हैं, ट्राइहैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कार्बन हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होगी और तीन हैलाइड जो हैं वो इस टाइप से आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर हैलाइड कितने है? टोटल तीन है। हैलाइड कितने हैं? तीन है। तो ये स्टूडेंट एक प्रकार का क्या होगा, ट्राई हैलाइड होगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा इसके ऊपर बात करते हैं। तीन क्लोरो हैं तो इसका हो जाएगा ट्राई क्लोरो मेथेन। एक कार्बन को मेथेन कहते हो, तीन क्लोरो तो ट्राई क्लोरो मेथेन। स्टूडेंट समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं इनके जो है फॉर्मेशन यानी प्रिपरेशन मेथड पे। देखें, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ट्राइहैलाइड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ट्राइहैलाइड के अंदर सबसे पहला जो प्रिपरेशन मेथड है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर हैलोजन की जगह क्लोरो लेके चलोगे तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, और आयोडीन लेके चलोगे तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। दो ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हैलोफॉर्म पे बात करते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन से ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात, रूल सबसे पहला, हैलोफॉर्म रिएक्शन का सबसे पहला रूल क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन दो चीजें, ठीक है, दो चीजें यानी हैलोफॉर्म रिएक्शन ये दो कंपाउंड दे पाएंगे। हैलोफॉर्म रिएक्शन केवल ये दो कंपाउंड दे पाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये है कंपाउंड ए और ये है कंपाउंड बी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर कंपाउंड ए पर हैलोजन का अटैक होगा। कंपाउंड ए पर क्या होगा? हैलोजन का अटैक होगा। हैलोजन का अटैक होते ही कंपाउंड बी बन जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पहले लेते हैं इस कंपाउंड को CH3COHR, रिएक्शन विथ हैलोजन, केवल हैलोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां पर X पे माइनस और H पे प्लस, तो दो H हैं और दो X हैं, क्या बना लेंगे, 2HX, ये अलग है, 2HX प्लस, यहां से दो हट गए तो ये कंडीशन हो जाएगी ये, यानी जब कंपाउंड A की रिएक्शन हैलोजन के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, कंपाउंड बी बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड बी बनता है। अब कंपाउंड बी के बारे में बात करें, कंपाउंड बी की रिएक्शन वापस हैलोजन के साथ, यानी हैलोजन से रिडक्शन होगा इसका, है ना। हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कितने हैलोजन लेने हैं ये बात करते हैं। हैलोजन से करवा दी, ये बात हो गई। ध्यान दीजिए, यहां से हाइड्रोजन, हैलोजन केवल हाइड्रोजन पर अटैक कर सकता है, तो कुछ ऐसा करें जैसे तीन हाइड्रोजन और तीन एक्स निकल जाएंगे, लेकिन यहां पर बॉन्डिंग खाली हो जाएगी,
ठीक है। तो स्टूडेंट हम हैलाइड हैलोजन जो है वो लेते हैं 6, कितने लेते हैं 6 लेते हैं, तो यहाँ पे आगे मैंने क्या लगा दिया 3, तो 3 यानी आपके पास 6 हैलोजन हो गए। 3 तो हाइड्रोजन को लेकर जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन अपोजिट चार्ज है हैलोजन का, 3 हैलोजन तो हाइड्रोजन को लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3HX प्लस, 3HX के बाद 3 हैलोजन जहां से हाइड्रोजन हटा है वहां आ जाएगा तो CX3COOX बन गया। ये है एक बेस, क्या है एक बेस, ठीक है। इसकी रिएक्शन वापस, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसकी रिएक्शन CX3COOX की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एक बेस यानी एक क्षार के साथ। तो एक क्षार ले लेते हैं KOH। देखें स्टूडेंट, फोकस करने वाली बात है, हाइड्रोजन पे प्लस है, हेलोजन पे माइनस है, ये यहां जाएगा और यहां जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा CHCX3 प्लस, जो बचा है वो लिख दीजिए, जो बचा है वो लिख दीजिए, क्या बन जाएगा जो बचा है वो। उसके अंदर सबसे पहली बात, यहां पर इंपॉर्टेंटली बात क्या है, यहां पर हमें बात कर सकते हो आप एक प्रकार से कि एक्स है सी ओ और बचा क्या है ओ, यही कंडीशन तो बची है, ठीक है, यही तो कंडीशन बची है। करना क्या है यहां पर, ठीक है, करेंगे क्या, यहां जो एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं कि सॉरी मैंने यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहां पर आर था और हमने एक्स लगा दिया। स्टूडेंट यहां के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, यहां आर था और हमने एक्स लगा दिया, इसके लिए आपको सॉरी सर, ठीक है, यहां पर आर लग गया, ठीक है, यहां पर आर लग गया तो यहां पर आर ही रहेगा, मैंने हेलो फॉर्म के एंगल के लिए वो लगवा दिया, एक्स लगा दिया, मेरा मतलब एक्स की जगह आपको आर लेना, आर ही लेके चले हो ना तो आर ही लेना, ठीक है। तो ये एच आ जाएगा यहां CHX3, तो और क्या बचेगा RCOOK RCOOK, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। ये जो स्टूडेंट कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, हलोफॉर्म करेंगे, हलोफॉर्म कहेंगे, यानी आपके पास पूरा जो है, पूरा कंप्लीटली डेफिनेट करने के बाद आपके पास कौन सा कंपाउंड आपको मिला, हलोफॉर्म कंपाउंड मिला, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, हलोफॉर्म रिएक्शन है। अगर स्टूडेंट इस रिएक्शन को क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बनाना है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बनाना है, तो मैं एक बार फिर तरीके से, यहाँ पर थोड़ी सी गलती के कारण अपना थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अब जो है हम एक्स की जगह सीएल लेंगे, एक्स को हैलोजन बोलते हो इसलिए इसको हलोफॉर्म रिएक्शन, और एक्स की जगह अगर सीएल ले लिया तो इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। ध्यान दीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ट्राईक्लोरो मेथेन बताया था जो कि एक ट्राईहैलाइड था, उसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। एक बार मैं फिर लिखना चाहूंगा, यहां पर ये सीएल 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 और ये एच, तो ये होया CHCl3, इसका कॉमन नेम है स्टूडेंट क्या, क्लोरोफॉर्म, क्या नाम है क्लोरोफॉर्म, और वैसे आपने बता दिया ट्राईक्लोरोमेथेन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्लोरोफॉर्म रिएक्शन पे, तो ऐसे कंपाउंड ही आपको जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहले इस कंपाउंड को लिखते हैं CH3CHOHR प्लस, हेलोजन के साथ रिएक्शन करना है ना, हेलोजन की जगह आप क्या लेके चल रहे हो क्लोरीन, तो Cl2। स्टूडेंट ध्यान दें, यहां पर H पे प्लस है और Cl पे माइनस है, तो क्या निकल जाएगा 2HCl तो निकल जाएगा, प्लस CH3COOR बन जाएगा, ठीक है, CH3COOR, ठीक है। ये आपके पास जो कंपाउंड बना है, इस पर वापस हेलोजन का अटैक करवाते हैं, करवा दिया, इस पर वापस क्या करवाते हैं, हेलोजन का अटैक करवाते हैं।
हेलोजन का अटैक करवाने से, ध्यान देना यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होगा तो मैं एक अलग मार्कर ले लेता हूँ। तीन हाइड्रोजन है, दो सीएल है, यानी कुछ ऐसा है कि क्लोरीन का अपोजिट चार्ज है हाइड्रोजन। स्टूडेंट ये इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो कुछ इस टाइप से अटैक करवाएं कि क्लोरीन यहाँ, यानी क्लोरीन यहाँ आ जाए और हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर निकल जाए। आप लीजिए छह हेलोजन, तीन हेलोजन तो हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएंगे 3HCl प्लस, यहां क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। ये बनने वाला जो कंपाउंड है, यहां पर जो बनने वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं? क्लोरल, ठीक है। अब क्लोरल जो बना है, क्लोरल की रिएक्शन आप करवा दो किसी बेस के साथ, बेस अन्य ओच या के ओच में से कुछ भी ले लो। स्टूडेंट HP प्लस है, Cl माइनस, इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस RCOOK, ठीक है। ये बन गया पोटेशियम फॉर्मेट, क्या बन गया? पोटेशियम फॉर्मेट। ये हो गया हेलोजन की जगह क्लोरीन लगाया, इसलिए ये हो गया क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन के साथ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्राई हेलोजन की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। ट्राई हेलोजन की जो रिएक्शन है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। आगे देखें स्टूडेंट, इसके अंदर आपका होमवर्क क्या रहेगा? क्लोरीन की जगह आयोडीन लेनी है, यानी आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो मेरे को होमवर्क के रूप में भेजनी है। होमवर्क कंप्लीट करके इस चीज को भेजें आप। इसी के अंदर, इसी क्रम के अंदर एक रिएक्शन और, ठीक है, बाइकार्बन टेट्राक्लोराइड बाई CCl4, यानी CCl4 की रिएक्शन जब हाइड्रोजन, यानी जब CCl4 का रिडक्शन करवाया जाता है, जब CCl4 का रिडक्शन यानी हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाती है। स्टूडेंट इसको यहां पर देखें, इस रिएक्शन को, ये CCl4 है, दो हाइड्रोजन का अटैक हुआ, कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड की तरफ देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसलिए माइनस और कार्बन पे प्लस, हाइड्रोजन दोनों पे क्या है? प्लस। ये प्लस और ये माइनस चला जाएगा, ठीक है, और ये प्लस यहां आ जाएगा, तो स्टूडेंट CHCl3 बना कि नहीं बना? ये बन गया क्लोरोफॉर्म प्लस HCl, और आपको ट्राई हेलाइड ही बनाना था। ये रहा ट्राई हेलाइड का एक और फॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट, ये एक और रिएक्शन कंप्लीट होती। आगे ध्यान दें, आगे की जो रिएक्शन दे रखी है आपके, वो दे रखी है क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला, यानी मेथेन पर बार बार अटैक आपको क्लोरीन का करवाना है, जब तक कि इसके चारों, यानी जब तक कि कंप्लीटली क्लोरीन जो है इस पर जुड़ न जाए। सबसे पहले क्लोरीन का अटैक करवाते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये है CH4 प्लस, ये है Cl, ये H और HCl क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे प्लस, 3H और एक क्लोरीन आ जाएगा तो CH3Cl, ये है मेथिल क्लोराइड। क्या बना? मेथिल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। अब इस मेथिल क्लोराइड पर वापस अटैक होगा क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीनेशन चल रहा है, ठीक है, तो CH3
Cl पर अटैक करवाना है वापस Cl2 का, तो ये H और ये Cl क्या बना लेगा, HCl प्लस ये Cl वापस यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा कार्बन पे दो तो हाइड्रोजन और दो आ गए Cl, तो CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, क्या बन जाएगा ये डाइक्लोरोमेथेन, इसका नाम क्या हो गया डाइक्लोरोमेथेन। उसके बाद CH2Cl2 आपके पास बना है, इसके ऊपर वापस Cl2 का अटैक करवाया जाए तो स्टूडेंट क्या कंडीशन हो जाएगी, CH Cl Cl प्लस इस पर अटैक करवाना है Cl का, तो ये H ये Cl, ये Cl आ जाएगा यहाँ, तो एक कार्बन पर तीन तो Cl हो गए और एक हाइड्रोजन, तो CHCl3 प्लस Cl2 सॉरी HCl, ये बन गया क्लोरोफॉर्म। तो स्टूडेंट आपको बनाना था ट्राई हेलाइड, यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट स्टेप करोगे तो इसके कार्बन के ऊपर चारों वैलेंसीज क्लोरीन की हो जाएगी तो वो बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अपने को एक ट्राई हैलाइड चाहिए था इसलिए हमने ये प्रोसेस ट्राई हैलाइड तक ही की। तो ये थी आपकी फॉर्मेशन ऑफ मेथड, दो फॉर्मेशन ऑफ मेथड और रह गई जिसकी हम बात करेंगे अगले पार्ट में, जिसकी हम बात करेंगे अगले पार्ट में यानी 14 नंबर पार्ट में। ये आज का जो पार्ट था वो था क्या 13 और अगला पार्ट जो है वो 14 होगा, ठीक है, उसके अंदर हम फॉर्मेशन के कुछ और मेथड के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ आज का जो टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ ट्राई हैलाइड के बारे में कंप्लीट होती है बात, अगले वीडियो में कुछ फॉर्मेशन के मेथड और किए जाएंगे। धन्यवाद।